ये लैंप बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? कोई भी आपके पास पुरानी सीडी हो वो चाहिए, इस तरह से कोई भी ऊन जिस कलर का आप लैंप बनाना चाहते हैं, इस तरह से मल्टी कलर जो भी आपके पास छोटे छोटे बच्चे कुछ ऊन हो वो चाहिए, इस तरह से आपको मेटल्स की बैंगल्स चाहिए, और ये जो हम जिसमें हम खाना पैक करते हैं सिल्वर फॉइल, उसके साथ ये जो अंदर वाला रोल होता है वो मैं यूज़ करूँगी। तो इन्हीं सब चीज़ों से हम ये लैंप बनाएंगे। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से मैंने धागा लिया और इसे इस तरह से सीढ़ी के बीच में से इस तरह से मैंने इसे निकाल लिया। इस तरह से अब मुझे फिर से इसे इस तरह से मैंने ये निकाला और इसे इस तरह से इसके बीच में से निकाल लिया। ये देखिए इस तरह से, ये फिंगर मैंने ऐसे रखी और यहाँ से मैंने इसे फिर इस तरह से इसे निकाल लिया इसके बीच में से। ये देखिए ये मैंने इस तरह से निकाल लिया, फिर ये मैंने फिंगर में से इस तरह से किया और ये इस तरह से इसके बीच में से मैंने इसे निकाल लिया। ये देखिए इस तरह से ये बनेगा। इसी तरह से आपको ये पूरी सीडी कवर करनी है। ये देखिए इस तरह से मैंने पूरी सीडी को कवर कर लिया है। तो ये मेरा जो लैंप है उसके नीचे का बेस बन गया है इस तरह से। अब मैं ये लूँगी जो रोल हमारा फ्रेश रैप वाला होता है और इससे मैं इसका बीच वाली ये जो स्टैंडिंग है ये बनाऊँगी। तो ये ज़्यादा बड़ा है तो मैं इसे थोड़ा कट कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने रोल कट कर लिया, ज़्यादा बड़ा था, मुझे सिर्फ इतना ही बड़ा लेना है। तो आपको जितना बड़ा लेना हो उतना बड़ा ले सकते हैं। यहाँ से अब मैं थोड़ा सा इसे यहाँ से कट कर लूँगी, स्क्वेयर सा पीस, जिसमें से मैं अपनी वायर निकालूँगी। ये मैंने स्क्वेयर पीस कट कर लिया इस तरह से, यहाँ से इसे मैं इसके ऊपर पेस्ट कर दूँगी ग्लू गन से और यहाँ से मैं अपनी वायर यहाँ से ऊपर निकालूँगी। ये देखिए इतना है। अब यहाँ पे हम इस तरह से गोल मैंने ये निशान लगा लिया इस तरह रोल में और मुझे इसे कटिंग करना है यहाँ तक नीचे तक। पेंट और ब्रश से मैं इस पे रेड कलर पूरा चारों तरफ रेड कलर कर लूँगी, फिर मैं इसे यहाँ पे इस तरह से लगाऊंगी। तो पहले मैं इसमें कलर कर लेती हूँ, उसके बाद फिर हम इसके ऊपर की बास्केट बनाना सीखेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने इस पे रेड कलर कर दिया है और मैंने इसके अंदर ये होल्डर डाल दिया जहाँ पर मुझे अपना छोटा ये 0 वाट का बल्ब लगाना है इस तरह से। ये मैंने वायर के साथ इसके अंदर से यहाँ से इस तरह से निकाल लिया और बाद में इसमें स्विच लगा दिया। तो इस तरह से ये मेरा रेडी हो गया। इस तरह से यहाँ से इसकी वायर लग जाएगी। अब मैं इसे यहाँ पे इसे हॉट ग्लू गन के साथ इसे ऐसे पेस्ट कर लूँगी और ये हम उसमें अपना जहाँ भी आपने लगाना है वायर में लगा के आप यूज़ कर सकते हैं। अब इस तरह से इसे हॉट ग्लू गन से नीचे पेस्ट कर लूँगी और ये हमारा बल्ब लग गया। आप इसमें छोटा भी लगा सकते हैं, बड़ा। अब हम इसके ऊपर के लिए बास्केट बनाएंगे। वो बास्केट हम इस ये जो हमारी मेटल की बैंगल्स हैं इससे बनाएंगे बास्केट। तो पहले आप इसे यहाँ पे इसके साथ हॉट ग्लू गन के साथ पेस्ट कर लीजिए, फिर हम इसकी बास्केट बनाते हैं। ये देखिए ग्लू गन है तो मैं इसे अच्छे से ग्लू लगाऊंगी इस पर। वायर मैं यहाँ साइड से निकाल लूँगी। ये मैंने ग्लू लगा के इसे अच्छे से इसमें पेस्ट कर लिया। ये बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, कोई भी मेटल बैंगल हो आपके पास इस तरह से मेटल की बैंगल चाहिए, कोई भी आपके पास पुराने बचे कुचे रंग बिरंगे ऊन हो हमें वो चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस बैंगल में हम हल्का सा यहाँ पे इस तरह से कट लगाएंगे और इसे हल्का सा इस तरह से मोड़ेंगे तो ये हमारी बैंगल इस तरह से टूट जाएगी। तो इसे आप सीधा स्ट्रेट कर लीजिए बैंगल का, इस तरह से ये बन गया। इसी तरह से हम ये सारी बैंगल कट कर लेंगे और बनाएंगे। पीसेस कट किए हैं तो बनाने के लिए मुझे 4 पीसेस चाहिए। पहले हम इन 2 पीस को बनाएंगे, फिर इन्हें बनाएंगे, फिर हम इन्हें आपस में जोड़ेंगे बनाने के लिए। तो सबसे पहले क्या करना है, जिस भी धागे से ऊन से आप बनाना चाहते हैं वो ऊन लीजिए। ये देखिए हम इस तरह से मेरी बास्केट बनाएंगे। अगर आप ये बास्केट बड़ी बनाना चाहते हैं तो जो हमने ये बैंगल का साइज़ लिया है, जैसे मैंने ये एक बैंगल लिया है, अगर आप बड़ी बास्केट बनाना चाहते हैं तो आपको इन दोनों बैंगल्स को ज्वाइन करना पड़ेगा इस तरह से और इस तरह से, फिर इसका एक फ्रेम बनेगा। तो अगर आप छोटी बनाना चाहते हैं तो हम ये चारों एज इट इज़ यूज़ करेंगे, नहीं तो आप 2 सेंटर में पहले इस तरह से धागा लपेट लीजिए। जो भी आप कलर यूज़ करना चाहते हैं वो कलर आप यूज़ कर सकते हैं।
ये देखिए इस तरह से मैंने धागा लपेटा थोड़ा सा, अब इसे ऐसे कर दिया, देखिए फोर कॉर्नर्स इसके बन गए इस तरह से स्ट्रेट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसे थोड़ा सा लपेटना है, किस तरह से, इस तरह से, इस तरह से थोड़ा सा बना लीजिए इसे, ये देखिए, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, इस तरह से इसे आपको बनाना है, ये देखिए ये जब बनाए। अब मैं दूसरा कलर यूज़ कर रही हूँ पिंक, इसमें तो मैं इसे नॉट लगा लेती हूँ और मैं इसे थोड़ा सा इस तरह से एक बार और इसके ऊपर मैंने इसे लपेट के मैं धागे को वापस इसके पास ले आऊँगी यहाँ पे इस तरह से। अब मैं यहाँ पे लपेट दूँगी इसे, ये देखिए इस तरह से। अब मैं इसे वापस ले आऊंगी इस तरह से लपेटते हुए, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, दोनों तरफ से बन गया ये हमारा, इस तरह से बन गया। अब हमें आगे क्या करना है, इसे 2 मिनट के लिए साइड पे रख देना है और जो हमने ये 2 पीसेस लिए थे पहले हमें इसे बनाना है। तो सेम उसी तरीके से आपको लपेटना है जैसे हमने वो वाला बनाया था, इस तरह से हमने किया और इसे इस तरह से, इस तरह से बनाना। अब ये कितना बड़ा बनाना है आपको, जहां तक आपने ये पिंक लपेटा हुआ है इस तरह से आप नाप लेके देख लीजिए, इस तरह से इसे रख के आपको ये इसके बराबर बनाना है, पिंक के बराबर, यानी ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये इस पिंक के बराबर, यानी अभी मुझे ये अगर मैं इसके सेंटर में रखती हूँ तो मुझे थोड़ा सा और बनाना पड़ेगा। ये देखिए इस तरह से मैंने बना लिया, ये अप्रॉक्सीमेट इसके बराबर ही है, ये देखिए पिंक के बराबर। अब मुझे इसे इसके ऊपर इसी तरह से रखना है जैसे मैंने ये रखा है और ये जो पिंक मैंने धागा छोड़ा हुआ था इससे मुझे बनाना है, सेम उसी तरीके से हमें लपेटना है जैसे हमने पहले लपेटा था। तो इसको बिल्कुल सेंटर में रखिए आप, सारे पकड़ लिए मैंने। अब मैंने जो धागा यहाँ पर छोड़ा था इस धागे से मैं इसको इस तरह से पूरा लपेट, और ये इस तरफ से इस तरह से बन गया। अब मैंने इसमें पिंक कलर लगाया, अब फिर आगे आप कोई और कलर यूज़ कीजिए, फिर कोई और इसी तरह से इसे आपको पूरे का पूरा लपेटना है। देखिए हम इसे, देखिए अब मैं इसमें आगे वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ, सेम वैसे हमें बिल्कुल ऐसे ही इसे लपेटना है, इसको लपेटने का मेथड बिल्कुल सेम है एज इट इज़, इसी तरह से हमें इसे करना है, घुमाना है इसके बीच में। अब मैंने वाइट कलर, इसी तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट कलर इसमें यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास बच, ये देखिए मैंने इस तरह से बना लिया अलग अलग कलर से इसको लपेट के, 2 रो इसकी बनाई फिर पिंक की। बनाने के बाद आप इसे भी बेस रख सकते हैं या इस तरफ से भी बेस रख सकते हैं, जो आपको पसंद हो उस तरफ से आप। अब हमें बास्केट की शेप देनी है, उसके लिए हमें क्या करना है, हमें इस तरह से इसे जो हमारी ये है इन्हें मोड़ देना है, ये देखिए इस तरह से हम इसे मोड़ देंगे। ये हम मिनी बास्केट बना रहे हैं, अगर आपको बड़ी बनानी है तो ये जो मैंने फ्रेम बनाया था जैसे कि मैंने पहले आपको वीडियो में बताया था, ये आपको फ्रेम बड़ा बनाना पड़ेगा। ये देखिए जैसे मैंने ये इस तरह से अपनी ये पूरी लपेटी हुई है, ये देखिए ये मेरा नीचे वाला हिस्सा बन गया था,
ये मैंने बाहर की तरफ रखा है, इसमें मैंने ये अंदर की तरफ कर दिया। तो आप जिस तरफ रखना चाहें सीधा उल्टा उस तरफ बना सकते हैं। उसके बाद मैंने इसे पूरा लपेट दिया है, तो ये इस तरह से मेरी बास्केट बन गई है। तो इसी तरह से मैं इसको जब पूरा लपेट दूंगी तो मेरी इस बास्केट इस तरह से ही, आप इसे अंदर की तरफ रखना चाहते हैं फिर आपको ये बाहर की तरफ से लपेटनी पड़ेगी इस तरह से। ये इसको लपेटने का मेथड बिल्कुल सेम है, उसी तरह से हमें इसे घुमाना है। जैसे ये देखिए मैं इसको पूरा लपेट दूंगी इस तरह से मैंने, ये देखिए जैसे जैसे हम इसे बनाते रह रहे हैं हमारी बास्केट इस तरह से बनती रह रही है। इसी तरह से हमें ये पूरा कंप्लीट करना है। बस इसी तरह से हमें यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट करना है। ये देखिए हमने इस तरह से बनाई तो हमारी इस तरह से बास्केट बन रही है। ये देखिए हमने बैंगल्स की बास्केट बना ली है इस तरह से। अब ये बैंगल की और ये साइड में मैंने इस तरह से ये लगा लिए हैं, साइड में झूमर से लगा लिए हैं। अब मैं इसे इसके ऊपर इस तरह से बास्केट को लगा दूंगी, पर लगा दिया। इसी तरह से आप बैंगल से